स्पेशल पर्सन आ रहे हैं कि आने की तैयारी कर रहे हैं, 3 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। तो कौन आ रहे हैं ये आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने आज नया चादर लगाया है। वैसे नया चादर खरीदने का मतलब बेडशीट खरीदने का जो था ना, वो बहुत दिन से था, लेकिन नहीं खरीद रहे थे। फिर कल जो लीजा है उनके पापा थे, उन्होंने 2 चादर लाया था, एक अपने यहाँ के लिए एक हमारे, 2 लाया था, मतलब दोनों अपने घर के लिए लाया था। तो हमें दिखाने को भेजा, तो हमने बोला कि हमें ये वाला पसंद है, तो फिर वो बोले कोई बात नहीं आप ये ले लो। तो हमने ऐसे घर में ही खरीद लिया चादर। मुझे जाना कहीं नहीं पड़ा और अच्छा खासा बेडशीट हमें मिल गया है, ठीक है। बस खाना पीना खा लिया है, कल तो फास्टिंग था और यस्टरडे वॉज सो बैड डे फॉर मी फॉर माई फैमिली, मतलब फॉर मी एक्सपेशली, सो मच मिसअंडरस्टैंडिंग एंड थिंग्स हैपेंड। सो आई डोंट वॉन्ट सच काइंड ऑफ डे विल कम एवर इन माई लाइफ, इट्स ओके। इसलिए कल का कोई ब्लॉग शूट नहीं हुआ, ऐसा होता रहता है फैमिली में प्रॉब्लम्स होती रहती है, बट टुडे इज दैट मच स्पेशल। कहते हैं ना, हर दुख के बाद सुख आता है, तो वही बात है, कल दुख था तो आज सुख है। तो बस आपको मैं अपना बेडशीट दिखाती हूँ और जल्दी जल्दी ये थोड़े से यहाँ पर कपड़े अभी मैं झटपट से काट के लाई हूँ, तो वो सारे कपड़े तय लगा लूँगी। घर वैसे उतना भी मैसी नहीं है, कल ही क्लीन किया था, और डेली तो क्लीन करते ही हम घर को, ठीक है, और डीप क्लीनिंग मंथ में एक बार करते हैं। तो बस थोड़ा बहुत इधर उधर सामान हो जाता है, उसी को अरेंज कर लेती हूँ और फिर आप लोगों को एक बार रूम का अभी का लुक दिखा देती हूँ और एक बार रूम का आफ्टर मतलब क्लीनिंग के बाद का लुक दिखाऊंगी। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वाला बेडशीट आपको कैसा लगा, और जो रूम में वॉलपेपर लगाना है तो आप लोग ज़रूर बताइए या सजेस्ट कीजिए कि कैसा वॉलपेपर लगाऊँ, ठीक है। अभी तक कमेंट नहीं आया है मेरे पास किसी का, बाकी अब ठीक है देखते हैं, ओके। जल्दी जल्दी से मतलब रूम वगैरह क्लीनिंग करके फिर थोड़ा सा कुछ ब्रेकफास्ट के लिए भी बनाना होगा, क्योंकि वो 3 बजे तक आएंगे और 3 बजे से मेरा ट्यूशन स्टार्ट हो जाता है, तो फिर कुछ भी मतलब सफ़र ना करें उस हिसाब से हमें काम करना होगा, थोड़ा आराम भी करना होगा, क्योंकि कल फास्ट था, अभी खाना खाया है मुझे पहले, मतलब मन आर्ट हो गया होगा खाना खाए हुए, तो थोड़ा सा ना ऐसा तबीयत अजीब सा लगता रहता है काफ़ी, मतलब कि दिन के फास्ट के बाद खाना खाओगे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है अपने अपने जगह पर। तो जल्दी से करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ, कंटिन्यू प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। ये बेडशीट मैंने परचेज़ किया है, और ये जो है ये हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा, जिसे आपको बता दिया है, ठीक है, मतलब उन्होंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था, और ये हमें 500 का पड़ा, ठीक है। प्रियोम और उसके पापा दोनों लंच करके सो गए हैं, अभी प्रियोम सोएगा 2 घंटे के लिए, और तब तक मैं घर का सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ और खुद भी थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। और घर की कुछ हालत इस तरह से है, देखिए, इससे जो ये कलरफुल वाला ड्रॉल है इसको कल ही क्लीन किया था, लेकिन अच्छे से नहीं हो पाया था, तो इसको थोड़ा सा आज भी करना पड़ेगा क्लीन। और बस फिर कुछ नाश्ता सा भी बनाना है, ठीक है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और यहाँ पर पूरे घर को मैंने क्लीन कर दिया था, प्रियोम भी जग गया है, उलट पलट कर रहा है, और इस ड्रॉल को मैंने रीअरेंज कर दिया, कुछ कलर नीचे कर दिए, जैसे आपने पहले देखा होगा ब्लू वाला नीचे था, ब्लू वाला बीच में आ गया, तो ऐसे मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, इससे नया लुक आ जाता है,
यहाँ टेबल को भी अच्छे से अरेंज कर दिया। ये टेबल बार बार बिगड़ जाता है क्योंकि ना जो फर्स्ट हैंड कोई चीज़ होती है ना, तो जब भी कोई रूम में एंटर करता है कोई चीज़ रखना है इसी टेबल पे रख देते हैं, तो ये टेबल बार बार बिगड़ ही जाता है। और यहाँ पियोम पूरी तरीके से जग गया, उलट पलट कर रहा है, तो इसे लेके मैं किचन में जाऊँगी। और यहाँ मैं किचन में आ गई कब का, और फिर सब कुछ प्रिपेयर किया। तो मैंने बनाया है दाल चावल, और ये है लौकी की सब्जी, आलू का चोखा, और उसके बाद पापड़, आलू का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा और प्याज का पकोड़ा, यही कुछ बनाया था मैंने उनके लिए। और ये थाली देख के आप समझ गए होंगे एक ही है, और दही नेसेसरी है हमारे बिहारियों के खाने में, अगर दही ना हो तो खाना इनकम्प्लीट होता है। तो दही लगा दिया बस। अब ये है रात की थाली, रात में हम सब ने एक साथ ही खाया था, मतलब लाइक जो लीजा की फैमिली है उन्होंने, मतलब हमारी जो बुआ है प्रियोम की वो, और हम लोगों ने सब ने एक साथ मिलजुल के खाया था। तो ये है तीनों थाली लगे हुए हैं। ये थाली है एक लीजा के पापा की जो हमारे झाजी है, और दोनों भाइयों की, लाइक के प्रियोम के पापा और प्रियोम के चाचा जी की। तो अभी मैंने बनाया था पूरी, सब्जी, रायता और मूंगफली की चटनी, सैलेड, और ये मिठाई मंगवाया था वही है, ठीक है। तो बस इतना सा ही बनाया था, लाइट डिनर भी करना था। और यहाँ पे सब लोग बैठ के खा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। और बिहार के तो आपने सुने ही होंगे कि साले बहनोई का जो हंसी मजाक होता है वो सबसे मज़ेदार सीन होता है। और यहाँ पर दीदी जी बैठी हुई है, सबको देख रही है, बातचीत कर रही है, बीच में दोनों बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, ये दोनों सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। इन्होंने डिनर, प्रियोम ने नहीं किया था डिनर, लेकिन उन्लीजा कर चुकी है। और यहाँ पर झाजी कह रहे हैं कि क्यों बना रहे हो वीडियो, मैं कह नहीं नहीं वीडियो तो बनाऊंगी ही, आप लोग अपना खाओ। तो यही बात हो रही है, और ये लोग गपशप कर रहे हैं, कह रहे वीडियो बन रहा है, चक्कर में खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ अच्छे से। बस यही हम सब ने मिलजुल के एक साथ में खाया, पहले इन तीनों ने खाना कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने, दीदी ने और मम्मी ने भी खा लिया, वो सूट नहीं कर पाए क्योंकि वो काफ़ी रात को खाया था। और दीदी पोज देने से कभी पीछे नहीं हटती, तो उन्होंने फटक से अपना पोज दिया कि वीडियो ख़राब ना हो जाए। और बस गपशप कर रहे हैं, और बहुत मन लगा, बहुत सारी गपशप हमने की। और यही हमारे नए मेहमान हैं, प्रियोम के पापा को आप पहले से जानते हैं, झाजी, और फिर वो प्रियोम के चाचा। और ये है, ये दोनों लोग घूमने गए थे, प्रियोम भी इनके साथ में गया था, देखिए प्रियोम कैसे आगे आगे कर रहा है। तो इसका पूरा ब्लॉग बाद में शेयर करूँगी। और ये लोग घूमने जो जा रहे थे उसका, तो ये लोग कहाँ घूमने गए थे वो मैंने नहीं बताया, लोग गए थे साइबर हब, यहीं गुड़गांव में है, आप लोग भी ज़रूर जाइए। और ये जो सीन है ये है तब का सीन, जब ये इनके प्रियोम के चाचू, नयन चाचू आए थे, इन्हें आपने पहले भी हमारे ब्लॉग में देखा होगा। तो प्रियोम बिल्कुल शर्मा रहा था, पास में ही नहीं जा रहा था, लेकिन फ्रेंडशिप हो गई थी मन ही मन में, क्योंकि भाई चाचा भतीजा का रिश्ता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। और बस आज के लिए इतना ही, तो